दोस्तों, अगर आपने खूनी कब्रिस्तान का पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले वो देख ले, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था, मिश्रा जी ने कब्रिस्तान में रखे ताबूत से एक सोने का ब्रेसलेट ले लिया था, जिसके कारण उस ताबूत में रखा मुर्दा जागृत हो गया था। अब कहानी आगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी सो रहे हैं, तभी दरवाजे को किसी ने नॉक किया है। अरे, कौन आ गया इतनी रात को? अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, पर दरवाजे को किसने नॉक किया था? जैसे ही गुप्ता जी घर में वापस आता है, वो देखता है कि कुर्सी हिल रही है, मानो कोई कुर्सी में बैठा हुआ हो। यह देखकर गुप्ता जी डर जाता है, पर थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है। गुप्ता जी वापस सोने के लिए चला जाता है। अब गुप्ता जी को नींद नहीं आ रही है, बार बार वो चेयर की ओर देखता है। अचानक फिर से वो चेयर हिलने लगती है। गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी को उठाता है। अरे मिश्रा जी, उठो! जब तक मिश्रा जी देखता है, तब तक फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। क्या हुआ गुप्ता जी? अरे मिश्रा जी, ये चेयर अपने आप हिल रही थी। क्या गुप्ता जी, इतनी रात को हमारे साथ मजाक ना करो। अब ये मत बोलना कि यहाँ कोई भूत आ गया है। दोनों वापस से सो जाते हैं, पर गुप्ता जी की नींद उड़ चुकी है। वो बार बार इधर उधर देख रहा है। अचानक फिर से दरवाजे को किसी ने नॉक किया है। गुप्ता जी फिर से दरवाजे की ओर जाता है। उसे अब थोड़ा डर भी लग रहा था। बाहर उसने देखा, वहाँ कोई नहीं है, पर एक ताबूत पड़ा हुआ है। अरे, ये तो वही ताबूत है जो कब्रिस्तान में देखा था। गुप्ता जी आगे जाता है और देखता है, ताबूत पूरी तरह से खाली था। उसमें रखा हुआ मुर्दा भी गायब था। यहाँ इस ताबूत को किसने रख दिया है और मुर्दा कहाँ गया इसका? गुप्ता जी वापस घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसने देखा कोई कुर्सी में बैठा हुआ है। आखिर उन दोनों के अलावा ये तीसरा कौन आ गया है? अरे मिश्रा जी, उठो! जैसे ही मिश्रा जी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि कुर्सी में मुर्दा बैठा हुआ है। अरे गुप्ता जी, ये तो वही मुर्दा है जो कब्रिस्तान में देखा था। ये हमारे घर कैसे आ गया? मुझे नहीं पता मिश्रा जी। मुर्दा मिश्रा जी पर वार करने की कोशिश करता है। मिश्रा जी और गुप्ता जी तुरंत वहां से भागता है, पर भागने का कोई फायदा नहीं। आगे मुर्दा पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था। अब क्या करें गुप्ता जी? गुप्ता जी को एक बैनर मिला है। जैसे ही मुर्दा उसकी तरफ आता है, गुप्ता जी जोर लगाकर उस पर वार करता है। मुर्दा वहीं गिर जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी डरे हुए वहां से निकल पड़ते हैं। वे दोनों भागते हुए अपने गांव के एक दोस्त, जिसका नाम सोन है, उसके घर आता है। आज की रात वे लोग यहीं रुकने वाले हैं। अरे गुप्ता जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? ऐसा है सोन, एक मुर्दा हम लोगों का पीछा कर रहा है। क्या मजाक कर रहे हो तुम दोनों? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। मुझे पता है ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि मिश्रा जी ने उस मुर्दे का सामान ले लिया था। क्या तुम लोगों ने कहीं कब्रिस्तान में रखे ताबूत को तो नहीं खोल दिया? हाँ सोन, हम लोगों ने तो ऐसा ही किया था। ओह गॉड, मतलब वो शैतान वापस आ गया है। अरे कहना क्या चाहते हो तुम, साफ साफ बताओ। आज से एक साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक चोर आ गया था। वो हर रोज किसी न किसी घर में डाका डालता था।
और बहुत सारे सोने हीरे चुराया करता था। एक बार वो राजमहल में डकैती डालने गया था। अरे इतना सोना मैंने तो आज तक नहीं देखा। उस डाकू ने राजमहल का सारा सोना उठा लिया, परंतु वो वहां से भाग ना पाया। सैनिकों ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर महाराज के पास ले आया। महाराज ने उसे जिंदा कब्रिस्तान में दफन करने का निर्देश दिया और उसके चुराए हुए पैसे को भी उसके साथ दफन करने को कहा। सैनिकों ने उसी रात उस कब्रिस्तान में दफना दिया उसे। परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आत्माएं भटकने लगी थी। कब्रिस्तान में जो कोई रात में जाता तो उसे एक ताबूत दिखता जिसमें उसका मुर्दा और सोना पड़ा हुआ रहता, और जो कोई लालच में आकर उसका सोना अगर उठाता है तो वो उसे मार देता है। इसलिए रात में उस कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता है। पर तुम लोगों ने तो उसका सोने का ब्रेसलेट ले लिया है, पता नहीं अब क्या होगा।